नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में फिर से हम ट्रांसलेट करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी स्टोरी की, जिसे हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट्स किया कि सर आप ही इस प्रकार की वीडियो बनाते हैं, तो आप कंटिन्यू करिए, हमें बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। हमें वर्ड्स के उच्चारण करने भी यहाँ पर सीखने को मिलता है, इसके अलावा कुछ ग्रामर के पोर्शन भी सीखने को मिलते हैं, इसके अलावा हमें मीनिंग भी सीखने को मिलते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है और हम अब धीरे धीरे ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं। तो आपकी बात ही मानकर मैं यहाँ पर आगे बढ़ रहा हूँ। आज और बहुत ही अच्छी स्टोरी को आपको ट्रांसलेट करके बताने वाला हूँ। जो भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होने वाले उसके लास्ट में आपको मीनिंग भी बता दूंगा, साथ ही साथ बताते चलूंगा ग्रामर के कुछ पोर्शन, कुछ नए नए वर्ड्स होंगे वो भी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी लेट नहीं करते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए जैसे हमेशा करते हैं। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो टाइटल है वो है द ब्राह्मिन्स गिफ्ट, यानी कि ब्राह्मण का उपहार। गिफ्ट यानी होता है उपहार। इंग्लिश टू हिंदी इसका ट्रांसलेट करेंगे। तो एक न्यूज़पेपर में इंग्लिश में ये स्टोरी वहाँ पे थी, तो मैंने इसे आप लोगों के लिए, वहाँ पे बहुत छोटा छोटा दिख रहा था इसलिए उससे आपको पढ़ाना सही नहीं समझा, तो मैंने आप लोगों के लिए HD में तैयार कर दिया। उसे पिक खींच कर से क्लियर करके PDF फाइल बना के मैंने आप लोगों के लिए इसे तैयार किया है, तो होप आपको पसंद आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस देयर लिव्ड अ ब्राह्मिन इन अ स्मॉल विलेज। कहीं पर एक ब्राह्मण रहता था। लिव्ड यानी रहता था, कहाँ पर? अ यानी एक, स्मॉल विलेज यानी छोटे से गांव में। छोटे से गांव में कहीं पर एक ब्राह्मण रहता था। ही यूज्ड टू परफॉर्म, और वो क्या करता था? यूज्ड टू परफॉर्म यानी वो क्या करता था? रिलीजियस रिचुअल्स। रिलीजियस रिचुअल्स मतलब होता है धार्मिक अनुष्ठान, यानी कि ऐसे पूजा पाठ वगैरह जो ब्राह्मण करते हैं वो सभी पूजा पाठ वगैरह करता था। और उसके बाद देखिए, ऑन वन ओकेशन, ओकेशन यानी होता है मौका। ऑन वन ओकेशन मतलब एक मौके पर, अ वेल्दी मैन, वेल्दी यानी होता है धनवान, वेल्दी यानी इसके पास बहुत सारे, जैसे वेल्थ कहते हैं धन, तो वही हो गया वेल्थी, वेल्थी यानी होता है धनवान, मैन यानी आदमी, धनवान व्यक्ति। गेव हिम अ, उसे दिया, गेव यानी दिया, हिम यानी उसे दिया, अ गोट, गोट यानी होता है बकरी, एक बकरी, एक धनवान व्यक्ति ने उसे क्या दिया? एक बकरी दिया। एज रिवार्ड फॉर हिज सर्विस, सर्विस यानी उसकी सेवा के लिए उन्हें क्या दिया? रिवार्ड, रिवार्ड मतलब होता है मान के चलिए उसे हम कहते हैं उसका भेंट, उसके सर्विस के लिए उन्हें उपहार दिया, भेंट दिया, रिवार्ड यानी उपहार उसे दिया ब्राह्मण को बकरी के रूप में। उसके बाद देखिए, द ब्राह्मिन हैप्पली स्लंग द गोट, ब्राह्मिन हैप्पली, तो ब्राह्मण ने क्या किया? हैप्पली यानी खुशी से, हैप्पी से हैप्पली बना है, खुशी से स्लंग यानी होता है टांगना, लटकाना, द गोट बकरी को ओवर हिज शोल्डर, ओवर यानी ऊपर, किसके ऊपर? हिज शोल्डर यानी अपने, शोल्डर यानी होता कंधा, अपने कंधे के ऊपर बकरी को लटकाया। एंड बिगन, और शुरू किया, बिगन यानी होता है शुरुआत करना, बिगिन से बिगन बनाए, ये उसका पास्ट टेंस है, बिगिन यानी होता है शुरू करना और बिगन उसका शुरू किया, ये पास्ट टेंस हो गया। द जर्नी, बिगन द जर्नी यानी अपनी यात्रा शुरू की, टॉर्ड हिज होम, टॉर्ड हिज होम मतलब अपने घर की ओर, होम यानी घर, तो अपने घर की ओर उसने यात्रा को शुरू किया। ऑन द वे, रास्ते पर, ऑन यानी होता है पर, द वे यानी रास्ता, रास्ते पर, थ्री चीट्स सॉ द ब्राह्मिन, थ्री चीट्स, थ्री यानी तीन, चीट्स यानी होता है ठग, जैसे चीट करना यानी धोखा देना, तो धोखा देने वाले को ठग कहते हैं, तो चीट्स यानी ठग, तो तीन धोखेबाज यानी तीन ठग्स सॉ, देखा, किसे देखा? द ब्राह्मिन, ब्राह्मण क्या किया? टेकिंग द, टेकिंग यानी ले जाना, किसे ले जाना? गोट, टेकिंग द गोट यानी वो बकरी को ले जा रहा था। दे डिवाइज्ड अ, तो ये आगे देखते हैं, दे डिवाइज अ प्लान, उन्होंने एक योजना तैयार की, डिवाइज यानी होता तैयार करना, क्या की? प्लान यानी होता योजना, उन्होंने एक योजना तैयार की, टू गेट द गोट, बकरी को लेने का, गेट यानी लेना, बकरी को लेने की एक योजना बनाई। बाय बिफूलिंग द ब्राह्मिन, बाय यानी कैसे कर, किसके, बाय यानी होता है द्वारा, किसके द्वारा? बिफूलिंग यानी मूर्ख बनाना, फूल से होते, फूल यानी मूर्ख, मूर्ख होता है, बिफूलिंग यानी मूर्ख बनाकर, किसे? द ब्राह्मिन, ब्राह्मण को मूर्ख बनाकर बकरी को लेने की एक योजना बनाई। यहां तक हो गया कंप्लीट। उसके बाद देखिए, अकॉर्डिंग टू द प्लान यानी कि योजना के हिसाब से, अकॉर्डिंग यानी हिसाब से, किसके हिसाब से? प्लान यानी होता है योजना, योजना के हिसाब से, दे गॉट, वे हो गए, क्या हो गए? सेपरेटेड, सेपरेटेड, सेपरेटेड मतलब होता है
अलग अलग होना, जैसे बोलते सेपरेट रहना है, अलग रहना है, तो सेपरेटेड मतलब होता है अलग अलग होना, तो वे सभी अलग अलग हो गए फ्रॉम वन अनादर, यानी एक दूसरे से, वन अनादर मतलब एक दूसरे से अलग अलग हो गए। एंड हाइड, इसे अब हिड नहीं पड़ेंगे, हाइड यानी छुपना, एंड हाइड और छुप गए, कहाँ छुप गए, एट थ्री डिफरेंट प्लेसेस, थ्री डिफरेंट प्लेसेस, तीन अलग अलग जगहों पर, डिफरेंट यानी अलग अलग, प्लेसेस यानी जगहों पर, ऑन द वे ऑफ द ब्राह्मिन, ब्राह्मिन के रास्ते पर, ऑन द वे यानी रास्ते पर, किसके रास्ते पर, द ब्राह्मिन, ब्राह्मण के रास्ते पर, ब्राह्मण जिस रास्ते से आ रहा था वहां पे वे अलग अलग तीन जगहों पर छिप गए। उसके बाद देखिए आगे, एज सून एज ब्राह्मिन अराइव, जैसे जैसे, एज सून एज मतलब जैसे जैसे ब्राह्मिन पहुंचता था, मतलब ब्राह्मिन पहुंचा, अराइव यानी पहुंचा, जैसे जैसे ब्राह्मण पहुंचा, एट अ लोनली प्लेस, कहां पर पहुंचा, एट यानी पर, अ लोनली प्लेस, लोनली यानी होता है एकांत, अकेला, जैसे बोलता है लोनली यानी अकेला, तो एकांत जगह पर, प्लेस यानी जगह, लोनली प्लेस मतलब एकांत जगह, जो शांत जगह होता है, वन ऑफ द चीट्स, उसमें से एक ठग, उसमें से एक ठग केम आउट, बाहर आया, ऑफ हिज हाइडिंग प्लेस, अपने छुपने के जगह से, जहां पर छुपा हुआ था वहां से बाहर आया, एंड आस्क्ड ब्राह्मिन, और ब्राह्मण से पूछा, इन अ शॉकिंग मैनर, शॉकिंग मैनर मतलब होता है मैनर यानी, मैनर यानी तरीका, शॉकिंग मैनर यानी बहुत ही आश्चर्यचकित होकर, शॉक होना यानी आश्चर्य में पड़ जाना, बहुत ही शॉक होकर पूछा, आश्चर्य से पूछा कि सर, सर यानी महोदय, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क होता है आश्चर्य से पूछते हैं आप ये क्या कर रहे हैं, तो वैसे ही पूछा, सर व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, आई डोंट, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, वाई अ पायस, वाई अ पायस, वाई यानी क्यों, पायस मतलब होता है पवित्र, इसके बाद देखिए, वाई अ पायस मैन, पायस मैन मतलब पवित्र व्यक्ति, क्यों आपके जैसा पवित्र व्यक्ति, लाइक यू मतलब आपके जैसे पवित्र व्यक्ति, लाइक यू मतलब आपके जैसे, हैव अ नीड टू, हैव अ नीड, आवश्यकता पड़ गई, जिसे जरूरत पड़ गई, टू कैरी अ डॉग, कैरी यानी ले जाना, अ डॉग यानी एक कुत्ते को ले जाने की जरूरत पड़ गई, ऑन हिज शोल्डर, अपने कंधों पर, अपने कंधों पर एक कुत्ते को ले जाने की ऐसी जरूरत क्यों पड़ गई एक पवित्र आदमी को। यहां तक हो गया कंप्लीट, द ब्राह्मिन वाज सरप्राइज्ड, और ब्राह्मण क्या हो गया, वॉज यानी था, क्या था, सरप्राइज, सरप्राइज मतलब था आश्चर्यचकित हो जाना, बहुत ज्यादा आश्चर्य में पड़ जाना, आश्चर्य में पड़ गया, टू हियर दिस वर्ड, इन शब्दों को, हियर यानी सुनकर, दिस वर्ड मतलब इन शब्दों को सुनकर वह आश्चर्य में पड़ गया, ही स्पोक लाउडली, उसने जोर से बोला, स्पोक यानी बोला, लाउडली यानी तेज, उसने जोर से बोला, कांट यू सी, तुम देख नहीं सकते, कैन नॉट, ये कांट ये होगा, ये जो कांट है वो कैन नॉट से बना, नहीं सकते, क्या तुम देख नहीं सकते, इट इज नॉट अ डॉग, ये कुत्ता नहीं है, ये एक कुत्ता नहीं है, बट अ गोट, बट अ गोट, लेकिन एक बकरी है, ये कुत्ता नहीं है लेकिन एक बकरी है, द चीट रिप्लाइड, और जो ठग था, रिप्लाइड यानी उसे वापस जवाब देना, रिप्लाइड यानी उसे वापस जवाब देना, उसने रिप्लाइड किया, सर महोदय, आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, बेग योर पार्डन, पार्डन मतलब होता है क्षमा मांगना, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, आई टोल्ड यू वॉट, क्यों क्षमा क्यों मांग रहा हूँ वो आपको बताता हूँ मैं, आई टोल्ड यू वॉट, क्यों क्षमा मांग रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, डोंट बिलीव इट, भरोसा मत कीजिए, मैं जो भी कह रहा हूँ भरोसा मत कीजिए, द ब्राह्मिन गॉट एनॉयड एंड स्टार्टेड हिज जर्नी वंस अगेन, और जो ब्राह्मण था वो क्या हो गया, नाराज हो गया, एनॉयड यानी नाराज होना, गॉट यानी हो गए, क्या हो गया, नाराज हो गए, एंड स्टार्टेड हिज जर्नी वन अगेन, वंस अगेन, और अपनी जर्नी यानी यात्रा स्टार्टेड यानी शुरू की, वंस अगेन यानी एक बार फिर, वंस अगेन मतलब होता है एक बार फिर अपनी यात्रा शुरू कर दी, द ब्राह्मिन हैड बेरली वॉक्ड सम डिस्टेंस, और ब्राह्मण क्या हुआ, बेरली का मतलब होता है, बेरली मतलब होता है मात्र यानी कुछ दूर ही, वॉक यानी चला, वॉक यानी चलना, सम डिस्टेंस, सम यानी कुछ, डिस्टेंस यानी दूरी, ब्राह्मण कुछ ही दूरी पर चला होगा, When another cheat came out, जब another cheat यानी दूसरा ठग बाहर आया, of his hiding place, अपने छुपे हुए जगह से,
एंड आज द ब्राह्मिन और ब्राह्मण से पूछा, सर महोदय व्हाई आर यू कैरिंग अ डेड काफ। व्हाई आर यू कैरिंग मतलब आपने क्यों उठा रखा है, क्यों ले जा रहे हो डेड काफ। डेड यानी होता है मरा हुआ और काफ मतलब होता है बछड़ा। आप मरे हुए बछड़े को क्यों ले जा रहे हो ऑन के बाद यानी पर, किस पर, ऑन योर शोल्डर मतलब अपने कंधे पर मरे हुए बछड़े को क्यों ले जा रहे हो। व्हाट क्या, हाउ कैन यू मिस्टेक अ लिविंग गॉड फॉर अ डेड काफ। तुम गलती कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू मिस्टेक तुम गलती कैसे कर सकते हो अ लिविंग गॉड यानी एक जीवित यानी जो लिविंग यानी होता है जीवित जो जिंदा रहता है गोट यानी बकरी, एक जिंदा बकरी को फॉर अ डेड काफ एक मरे हुए बछड़े से, यानी कि तुम एक जिंदा बकरी को मरा हुआ बछड़ा क्यों कह रहे हो। द सेकेंड चीट रिप्लाइड दूसरे ठग ने जवाब दिया, रिप्लाइड ने जवाब दिया, सर महोदय यू आर एट मिस्टेक आपको कुछ गलत फहमी हुई है। मिस्टेक क्या होना, गलती होना, गलत फहमी होना, आपको आपसे कुछ गलती हुई है इन दिस रिगार्ड इस संबंध में, इस आपसे आपको देने में कुछ गलती हुई है। आइदर या फिर यू डोंट नो या फिर आप नहीं जानते हैं हाउ डज अ गोट लुक लाइक कि बकरी कैसे दिखती है। आपको कुछ यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है कि बकरी कैसे दिखती है, आप नहीं जानते कि बकरी कैसे दिखती है। यू आर डूइंग इट नोइंगली या फिर आप क्या कर रहे हैं इसे जानते हुए कर रहे हैं, नोइंगली मतलब जानते हुए भी आप ये कर रहे हैं। आई जस्ट टोल्ड मैं आपसे कह रहा हूं, मैं सिर्फ ही आपसे कह रहा हूं। अगेन यानी फिर से द ब्राह्मिन हैड कवर्ड अ लिटिल डिस्टेंस। द ब्राह्मिन हैड कवर्ड अ लिटिल डिस्टेंस मतलब होता है ब्राह्मिन ने कवर करना यानी कुछ दूरी और तय की, कुछ दूरी और तय की, लिटिल डिस्टेंस यानी कुछ दूरी। व्हेन द जब थर्ड चीट मेट हिम तीसरा ठग उससे मिला, मेट यानी मिला, हिम यानी उससे। द थर्ड चीट आस्क्ड तीसरे ठग ने पूछा लाफिंगली, लाफिंगली मतलब होता है मजाक उड़ाते हुए, हंसते हुए पूछा सर महोदय व्हाई आर यू कैरिंग अ डंकी ऑन योर शोल्डर। आपने अपने कंधे पर कैरिंग यानी बताया जैसे कंधे पर उठाना, कैरिंग यानी उठाना, आपने अपने कंधे पर ऑन योर शोल्डर यानी अपने कंधे पर डोंकी, डोंकी यानी होता है गधा, आपने अपने कंधे पर गधे को क्यों उठा रखा है या क्यों ले जा रहे हो। इट इज मेकिंग यू अ लाफिंग स्टॉक ये आपको क्या बना रहा है, लाफिंग स्टॉक मतलब होता है मजाक के पात्र, आपको मजाक के पात्र बना रहा है। आप ऐसे काम कर रहे हैं तो आपको सब मजाक के पात्र समझेंगे। हियरिंग द वर्ड्स ऑफ द थर्ड चीट, हियरिंग ऐसा सुनकर द वर्ड्स ऑफ द थर्ड चीट तीसरे ठग की बातों को सुनकर, उनके शब्दों को सुनकर द ब्राह्मिन बिकम रेली और ब्राह्मण क्या हो गया, रेली ने सचमुच में, ब्राह्मण सचमुच में क्या हो गया, वॉज कैरिंग ऑन हिज शोल्डर माइट रियली बी अ घोस्ट यानी जो अपने कंधे पर ले जा रहा है, कैरिंग यानी अपने कंधे पर जो ले जा रहा है, ऑन हिज शोल्डर अपने कंधे पर माइट यानी हो सकता है, माइट यानी क्या हो सकता है, रियली बी अ घोस्ट ये घोस्ट यानी होता है भूत, ये एक भूत हो सकता है, प्रेत हो सकता है, आत्मा हो सकता है, मैं अपने कंधे पर जो ले जा रहा हूँ सच में एक आत्मा हो सकता है, भूत हो सकता है। बिकॉज क्योंकि इट ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म मतलब होता है बदलना, ये बदलता है इट सेल्फ यानी खुद को, ये अपने आप को बदल लेता है फ्रॉम गोट इन टू अ डॉग, फ्रॉम यानी किससे, गोट इन टू अ डॉग यानी बकरी से कुत्ते में बदल लेता है अपने आप को, फ्रॉम किससे, डॉग इन टू अ डेड काफ कुत्ते से अपने आप को मरा हुआ बछड़े में बदल लेता है, एंड और फ्रॉम डेड काफ इन टू अ डंकी मरे हुए बछड़े से एक गधे में अपने आप को बदल लेता है, इंटू अ डंकी मतलब मरे हुए गधे में, तो उस वो यही बोल रहा है कि अपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, बार बार बदल लेता है। द ब्राह्मिन गॉड, ब्राह्मण क्या हुआ, फ्रिटेंटेड, फ्रिटेंट मतलब होता है फ्रिटेंट, फ्रिटेंट मतलब होता है डरना, वो बहुत ज्यादा भय के मारे मतलब जिसे डरना बोलते हैं, फ्रिटेंट मतलब डर जाना, वो बहुत ज्यादा क्या हुआ, डर गया सो मच यानी बहुत ज्यादा डर गया। दैट ही और हर्ल द गॉड, हर्ल यानी होता है फेंकना, और बकरी को क्या किया, फेंक दिया ऑन द रोड साइड यानी रोड साइड मतलब सड़क के बगल में, सड़क के बगल में फेंक दिया,
एंड रैन अवे, और वहां से भाग गया. अवे यानी दूर भागना, रैन अवे मतलब भाग गया. द थ्री चीट्स लाफ्ड, और तीनों ठग हंसने लगे. लाफ्ड यानी हंसे. एट द, किस पर? गलीबल, गलीबल का मतलब होता है आसानी से धोखा देने वाला. ब्राह्मण यानी जो आसानी से धोखा खा जाए उसे गलीबल कहते हैं. गलीबल ब्राह्मण, और आसानी से धोखा खाने वाले ब्राह्मण पर हंसने लगे. दे कॉक द गॉड, और उन्होंने क्या किया? दे कॉट द गोट, और बकरी को पकड़ा. कॉट यानी पकड़ना, कॉट यानी पकड़ना. एंड वेंट ऑन देयर वे, और अपने रास्ते पर चले गए. तो देखिए ये थी स्टोरी. ये आपको समझ आ गया होगा आसानी से कि इसका मोरल देख लेते हैं. इसका मोरल क्या है, इसका शिक्षा क्या है? डोंट बिलीव अदर ब्लाइंडली, दूसरों पर अंधविश्वास मत करो, यानी आंख बंद कर विश्वास मत करो. यूज योर ओन सेंस, ओन यानी स्वयं का, सेंस यानी होता है समझ, अपना स्वयं का समझ लगाएं. ऑफ जजमेंट, जजमेंट मतलब होता है फैसला लेने में. तो इसका मतलब क्या हुआ? डोंट बिलीव अदर ब्लाइंडली, यूज योर ओन सेंस ऑफ जजमेंट, दूसरों पर अंधाधुंध विश्वास मत करो, अपनी फैसला करने की समझ का इस्तेमाल करो. ये इसका मॉरल था. देख लेते हैं इसका कुछ आईएमपी वर्ड्स जो हमें आज को देखने को मिला, सीखने को मिला. जो कठिन शब्द थे वो क्या क्या थे? देखिए, रिचुअल का मतलब होता है अनुष्ठान करना, जैसे पूजा पाठ मैंने बताया था. रिवार्ड का मतलब होता है पुरस्कार. स्लिंग का मतलब होता है लटकाना. चीट का मतलब होता है ठग, जैसे मैंने आपको बताया. पायस का मतलब होता है पवित्र. काफ का मतलब होता है बछड़ा. उसी प्रकार से आगे देखिए, ऑकवर्ड का मतलब होता है भद्दा. येल मतलब चिल्लाना. लॉफिंग स्टॉक मतलब मजाक का पात्र. घोष यानी भूत. ट्रांसफॉर्म यानी बदलना. फ्रिटन, फ्रिटन यानी होता है डरना. हर्ल यानी फेंकना, यानी किसी चीज को फेंक देते उसे हर्ल बोलते हैं. उसी प्रकार से देखिए, मैंने आपको बताया था यहाँ पे गालीबल. गालीबल मतलब होता है बातों में आ जाने वाला या फिर मूर्ख बन जाने वाला. सेंस यानी समझ. जजमेंट यानी होता है फैसला. तो देखिए इतने सारे आपको वर्ड्स आपको सीखने को मिले. कठिन कठिन शब्द थे, नए नए शब्द थे. तो इस प्रकार की स्टोरी में आपको ये सब सीखने को मिलते हैं. और आज की स्टोरी आपको कैसे लगी जरूर बताएंगे. थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल के बेल आइकन को भी दबा दें. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.